सो हे गाइज, वेलकम बैक टू माई चैनल एंड आई होप यू गाइज आर डूइंग वेल। सो आज का जो व्लॉग है वो बहुत ही ज़्यादा अनएक्सपेक्टेड है। तो ये रहने वाला है मनाली व्लॉग, क्योंकि मैं जा रही हूँ मनाली अपने दोस्तों के साथ। तो आज से ही, मतलब अभी हमारी कुछ 11 बजे की बस है मजनू का टीला से, तो मैं निकल जाऊँगी यहाँ से 9:45 बजे तक। और मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। पैकिंग मेरी सब कुछ हो चुकी है और थोड़ी ही देर में बस निकलेंगे हैं। और अभी फ़िलहाल तो मुझे कोमल के घर जाना है, तो कोमल के यहाँ जाएंगे, उसके बाद हम दोनों साथ में वहाँ से कैब करके निकलेंगे। तो ये है प्लान। तो मनाली की वादियाँ इस व्लॉग में देखने को मिलेंगी इस बार, तो मनाली व्लॉग रहने वाला है ये। और मैं सारी चीज़ें बताऊँगी, मैंने बस जो करी है वो कितने रुपये में करी है और क्या हम लोग कौन से होटल में रुके हैं, सारी चीज़ें मैं बताऊंगी। और एक बजट भी पूरा कि कितना मनाली में हमारा लगा। तो हम लोग वहाँ पे 5 days के लिए हैं, 4 nights and 5 days के लिए। तो हमने जो बस करी है यहाँ से वो 1200 की है सेमी स्लीपर, तो वो मजनू का टीला से हमें मिल जाएगी और वो हमें पहुँचा देगी 12-13 घंटे में। तो आजकल स्नोफॉल वहाँ हुई है तो शायद हो सकता है थोड़ा टाइम लग जाए, बट लेट सी। तो अभी मैंने पैक कर लिया, तो मैं फटाफट से अपना जो भी छोटा मोटा और सामान है वो रख लेती हूँ और फिर चलते हैं। गाइस ये है मेरा सामान, मैं बहुत सारा सामान लेकर जा रही हूँ क्योंकि लड़की हूँ, ऑफ कोर्स लड़कियों का इतना सारा सामान होता है। तो जैकेट्स इतनी मोटी मोटी होती है एक तो सर्दियों में, तो फिर इसलिए इतना सारा सामान है। प्लस एक जैकेट यहाँ पर भी पड़ी हुई है और मिल्की गुस्से में ऐसे लेटा हुआ है क्योंकि मैं जा रही हूँ और मैं भी ऑलमोस्ट रेडी हूँ और चलेंगे बस, क्योंकि सर्दी बहुत है तो जैकेट भी कैरी करनी पड़ रही है। तो कुछ पता नहीं है अभी, यहाँ पे तो गर्मी है क्योंकि, तो इसलिए एक हुडी ही कैरी करा है, बट जैकेट भी साथ में लेके चल रही हूँ। तो लेट्स गो गाइस। सो गाइस कोमल आ चुकी है और अब हम सीधे और यहाँ भी कोमल को एक डॉगी मिल गया है। हम लोग चलेंगे यहाँ से और सबसे आगे बैठे सेकंड रो में, घरों सेकंड रो में। तो फिर टाइम से पहुंच गए थे, सब लोग आ गए हैं और अब हम चलेंगे सीधे मनाली। बीच में स्टॉप आएगा फिर रिकॉर्ड करेंगे। सही रेट ही मिलते हैं। ये है बस स्टैंड। हाथ धोए। 99.99% जर्म से मार देते। अच्छा सिर्फ पानी नहीं, सोप भी था। अब हम लोग खाएंगे कुछ। तो कोमलिया से मिर्च खाने आई है। तो हम लोग ऑर्डर कर रहे हैं। 30 मिनट्स का हमारे पास ब्रेक है, इसमें हम लोगों ने ब्रेड पकौड़ा और गोभी का पराठा और आलू प्याज का पराठा बहुत टेस्टी होने वाला है गाइस। व्हाइट मक्खन होता है ना उसके साथ खाएंगे। हमें नहीं पता कि मिलने वाला है नहीं मिलने वाला, मांग नहीं, अकॉर्डिंग टू हमें व्हाइट मक्खन ही मिलेगा यहाँ पे। वो गाइस चलते हैं फिर आगे जब हमारा खाना आ जाएगा।
गाइस बस रुकी है बट हम लोग चाय और कोमल अपना बैग नहीं भूली बैठे बैग ये बैग में कुछ नहीं है तो पहुंच गए हम लोग गाइस थॉमस संविला ये है हमारा होटल हमें यहाँ भी एक पपी मिल गया है होटल में तो ये है हमारी वेलकम ड्रिंक है ना कुबल चेस कर लेते इस बार और ये रहा नूनू तो ये है गाइस हमारा रूम दो रूम है हमारे और ये मेरा और कोमल का है और नज़ारे दिखा देती हूँ मैं बालकनी वाला नहीं है ये बट माउंटेन व्यू है तो इन्होंने माउंटेन वाला बिना बालकनी के है क्योंकि बालकनी वाला फ्रंट साइड से है तो उसमें कुछ ऐसा देखने को नहीं है और ये है टीवी और ये वॉशरूम है काफी ज्यादा स्पेशियस है वॉशरूम भी तो ये बढ़िया सा रूम है हमारा और 4-5 दिन के लिए ये हमारा घर है अभी मैंने इसलिए वीडियो बना लिया क्योंकि उसके बाद ये रूम गंदा हो जाएगा आ गई है कोमल कोमल कैसा लगा तुझे हमारा रूम और सबसे अच्छी बात इस रूम की ये है कि व्यू तो है ही यहाँ पे मतलब जो वॉशरूम्स हैं काफ़ी क्लीन है और सैनिटाइज करे हुए हैं कैटल है यहाँ पे और नमस पानी वानी गर्म करो क्योंकि ठंड में तो बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है और ये कबर्ड्स हैं जिसमें कंबल मिलते हैं हमें और ये भी है ही हमारा तो बेस्ट तो अभी हम लोग रेडी वगैरह होंगे सो गाइस अभी हम लोग फ्रेशन अप होंगे और जैसे कि हमारी हालत ऑलरेडी खराब हो चुकी है बाल सारे मेरे ऑयली हो गए हैं और अभी हम लोग फ्रेशन अप होंगे और फिर हम लोग रेडी होंगे आज हमारा डे वन है तो डे वन में हमने ज़्यादा कुछ नहीं रखा है तो आसपास की जो जगह हैं मतलब जगहें हैं वो भी हम एक्सप्लोर करेंगे जैसे सबसे पहले तो माल रोड जाना है तो यहाँ पे कैटल वेटल भी है तो हम सोच रहे हैं मैगी वैगी भी लेकर आते हैं वहाँ से तो जो हमारा ट्रैवल था वो काफ़ी सही रहा बिल्कुल भी मतलब ये मेरा हिमाचल में सेकेंड टाइम था तो मैं जब फर्स्ट टाइम आई थी तो बहुत ज़्यादा मेरा मोशन सिकनेस हो रही थी मुझे तो इस बार मुझे बहुत ही कम हुई है बहुत ही कम लेकिन ऑल्दो मैंने मेडिसिन भी ली थी बट फिर भी बहुत ज़्यादा कम हुआ क्योंकि टनल्स की वजह से काफ़ी पेन हो गया है तो फिर जब तक मनाली आया तो तब तक ठीक ही था और होटल भी हमारा बहुत बढ़िया है मस्त और एक नीचे पपी भी मिली है हमें जिसे हमें मतलब जिसकी हमें तलाश थी कि एक डॉगी भी मिल जाए तो वो भी हो गया तो अब हम सीधे रेडी रेडी होते हैं और ड्रीम पूरा हो चुका है तो फिर अब फटाफट रेडी होके फिर दिखाते हैं आपको सो गाइस अब हम लोग जा रहे हैं माल रोड पर हम लोग रेडी हो चुके हैं और सीधा चलेंगे माल रोड और बहुत ज़्यादा लेट हो चुके हैं माल रोड जाने के लिए 3 बज चुका है सो बाय बाय कह रहे हैं हम लोग यहाँ से बाय कह रहे हैं बाय इन द सेंस कि हम लोग बाय इसलिए कह रहे हैं क्योंकि हम लोग जा रहे हैं माल रोड क्या पहना है क्या पहना है विद माय बैग
हमेशा की तरह वो बैग इम्पोर्टेंट है चाहे कुछ भी हो। सो गाइस माल रोड अभी तक नहीं आए और हम लोग पैदल चल के जा रहे हैं, चलते ही जा रहे हैं और चलते ही जा रहे हैं, पता नहीं कब आएगा माल रोड। बस ऑलमोस्ट पहुंच गए, तो गाइस माल रोड आ गया है ऑलमोस्ट और अभी जस्ट एंटर किया है हमने। और किसी बेवकूफ के बच्चे ने ऐसे छपाक मारी पिन ने और मेरे प्लाजो गंदा कर दिया, दिखा दे। तो फिर अब हम लोग, दिखाती हूँ मैं प्लाजो, बट अब काफ़ी हद तक मिट्टी चली गई है, मतलब सूखी मिट्टी थी, पहले कीचड़ था फिर वो सूख गई और अब वो झड़ गई है, थैंक गॉड। तो माल रोड आ गया तो मैं माल रोड दिखाती हूँ आपको, चलिए। तो ये माल रोड है और पूरा मार्केट लगा हुआ है। अभी हम लोग यहाँ पे लाफिंग सिड्डू चिया की फेमस चीज़ें उगाएंगे। तो ये दुर्गा माता का मंदिर है, बंद है ये, पर अभी माल रोड में। ये चटनी, ये मेयोनीज है, और ये वाली कौन सी चटनी है? तो ये है सिड्डू, ट्राई करके देखते हैं इसे। हाउ इज इट? ये वाली जो चटनी है ना इसी के साथ मजा आ रहा है। बाकी मेयोनीज वगैरह ऐसी है, मतलब मेन चटनी यही है, अखरोट की यही है। कैसा है? ये है अखरोट की चटनी, ये हमारे फेवरेट लाफिंग। तो अब हम आ गए चाट कॉर्नर में, चाट खाने सिड्डू और लाफिंग के बाद वो डिसाइड हो रही है कौन सी चाट खाएं। तो ये हमने दही बल्ले मंगाए हैं, सर्दी में ठंडी ठंडी दही खाने का मजा ही कुछ और है। 360 दिखा देती हूँ ऐसे ऐसे के घुमा घुमा। तो ये तो गिर गई थी आइसक्रीम, तो ये है 8-in-1 आइसक्रीम, खाते हैं इसे। तो हमने प्रसाद ले लिया और हम लोग हडिम्बा टेम्पल जा रहे हैं। ये जो हडिम्बा देवी टेम्पल है ना, इसका जो हिस्ट्री है वो महाभारत से जुड़ा हुआ है। जो हमारे पांडवास थे ना, उनमें से जो भीम थे उनकी पत्नी थी हडिम्बा देवी, तो उन्हीं का ये मंदिर है। तो काफ़ी लंबी लाइन है गाइस, ये पीछे से ही चलते हुए आ रहे हैं हम लोग काफ़ी देर से। और यहाँ पे ये देखो आप, ये बकरे हैं और ये असली बकरे हैं। तो बोला जाता था यहाँ पे बकरों की बलि दी जाती थी पुराने टाइम पर, तो ये असली बकरे लगे हुए हैं, मतलब उनके सींग मुंह सब कुछ असली है, ये असली बकरे हैं सारे के सारे। तो
तो अब हम लोग अंदर की तरफ जा रहे हैं और अंदर फोटोग्राफी अलाउड नहीं है, फोन रख देंगे गाइस। सो गाइस हमारे दर्शन हो चुके हैं और अब हम लोग जा रहे हैं हमारे दर्शन हो गए अंदर, मतलब कैमरा लग जाना फोन वीडियो लेना अलाउड नहीं है अंदर मैं दर्शन के लिए बाहर से चलने के लिए। तो अब हम घर को चलते हैं, हमारा हो गया आज का और अब घर जाएंगे। बहुत ज़्यादा सर्दी हो रही है, हाथ पूरे जाम हो चुके हैं। कल से ग्लव्स पहनना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, तो ग्लव्स पहनेंगे कल से। और वो ईयर मफ्स भी मैं लेकर आई हूँ इधर, मतलब आने के लिए मैं नहीं रही, मैंने कहा लोकल ही तो जा रहे हैं पर ठंड हो रही है भाई, बहुत ज़्यादा हो रही है। तो अभी हम लोग चलते हैं घर को। तो गाइस हम फिर से माल रोड में आ गए हैं और रात को ये बड़ा ही प्यारा दिखता है। तो ये हम लोग घर आ चुके हैं वापस गाइस, अपने होटल आ चुके हैं और इतना प्यारा लग रहा है होटल रात में भी। इन्होंने इतनी सारी लाइट्स लगाई हुई हैं, हर जगह पूरा पूरा ही चमक रहा है, ये इतना प्यारा लग रहा है। ये देखो यहाँ पे इन्होंने हर जगह ही लाइट्स लगाए हुए हैं, जहाँ जहाँ लग सकती हैं। तो गाइस हम लोग वापस आ चुके हैं, तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट व्लॉग में। ये वाला व्लॉग यहीं एंड करते हैं, आई होप आपको पसंद आया हो। तो तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर।